और उसी वक्त व्हाट्सएप का जमाना आया, हर आदमी व्हाट्सएप यूज करने लगा और इसी तरह से किसी ने तो मुझे एक व्हाट्सएप पे एक जीआईएफ फाइल भेज दिया। तो जीआईएफ फाइल तो रिपीट रिपीट बार बार होने लगा, तो मेरे दिमाग में आया अरे ये इस तरह के हम इधर जीआईएफ मैथमेटिक्स के बना सकेंगे तो बच्चों को सिखाने में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, एक टूल नया निकलेगा। नमस्कार साथियों, डिजिटल टीचर की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अमूमन रूप में देखा जाए तो लोग हंसने हंसाने के लिए जीआईएफ इमेज का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या सीखने सिखाने में भी जीआईएफ इमेज का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार को बढ़ावा दे रहे शिक्षक साथी शमसुद्दीन सर ने गणित विषय को आनंददायी एवं रोचक बनाने के लिए भरपूर रूप से जीआईएफ इमेज का इस्तेमाल किया है। तो आइए मिलते हैं शमसुद्दीन सर से, जिन्होंने शिक्षण प्रक्रिया को समर्थ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का खूब सारा इस्तेमाल किया है। नमस्ते सर, डिजिटल टीचर की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले तो हमारे शिक्षक साथियों को आपका परिचय करवा देते हैं। मेरा नाम शमसुद्दीन नसीरुद्दीन अत्तार, मैं सेकेंडरी स्कूल टीचर हूँ। मेरे स्कूल का नाम है शिरगांव हाई स्कूल शिरगांव, ये तालुका देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से आता है। स्कूल में पिछले 30 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आईसीटी। तो सर, एक चीज जो हमने आपके बारे में पढ़ा है उसमें हमें समझ में आई है कि आप जो हैं जीआईएफ इमेज का इस्तेमाल करते हैं और वो भी गणित के किसी भी कंसेप्ट को एकदम सिंपली बच्चों और शिक्षकों को समझ में आ जाए उस उद्देश्य से। तो सर बताइए, ये किस तरीके का इनिशिएटिव है? थोड़ा इतिहास देखूं तो आप बताऊं तो आपको पता चलेगा कि मैं एक सेकेंडरी स्कूल टीचर था तो मैथ्स पढ़ाता था और बच्चों का नापसंदीदा सब्जेक्ट कोई होगा तो मैथ्स होगा। मैथ्स से बच्चे डरते हैं, बच्चों को वो सब्जेक्ट का डर लगता है। जब टीचर क्लासरूम में जाता है तो पहले उनके जो फेस है उसके ऊपर टीचर्स को समझ में आता है, मैं आने के बाद बच्चों को खुशी नहीं हुई। तो मेरे एंड में चल रहा था, 2000 से मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था, जुड़ने के वक्त बहुत सारे वेबिनार्स कर रहा था, तब एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा था। तो ऐसे एक कॉन्फ्रेंस में गया था 2000 में जो नासिक में हुआ था, ऑल ओवर वर्ल्ड से टेक्नोलॉजिस्ट आए थे वहाँ पे, यानी उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें उस वर्कशॉप में रखी थी। तो वहाँ पे मुझे एक नाम लेने में बहुत खुशी है, डॉक्टर जितेंद्र शाह, इन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद शाम के वक्त मुझे बताया, आप मैथ्स टीचर हो ना तो मैं एक आपको सॉफ्टवेयर बताता हूँ, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप बच्चों को मैथ्स पढ़ाइए, आसान जाएगा। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम 1999 में सॉफ्टवेयर बना था और 2000 में मुझे इंट्रोडक्शन मिली थी, उसका नाम था जियोजेब्रा। जियोजेब्रा मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। तो मैंने देखा था और वो सीखने शुरू की मैंने, वो सीखते सीखते मैं जियोजेब्रा इस्तेमाल करने लगा और डे टू डे टीचिंग में मैं जियोजेब्रा के मदद से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ये तो बहुत दिन से चल रहा था मेरा, डिजिटल क्लासरूम मेरा स्कूल में बन गया। वो डिजिटल क्लासरूम में मैं प्रोजेक्टर के जरिए बच्चों के साथ मैं विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा था मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अगर डिजिटल हो जाएगा, विजुअलाइज होगा, ऑडियोबल होगा तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा, ये एक मेरे दिमाग में था। साइड बाय साइड बच्चों के हाथों में और टीचर्स के हाथों में स्मार्टफोन आ गए। स्मार्टफोन से बच्चे बहुत सारी चीजें करते थे, मैं देख रहा था लिलिया जो इजीली यूज करते थे बच्चे मोबाइल स्मार्टफोन, और उसी वक्त व्हाट्सएप का जमाना आया, हर आदमी व्हाट्सएप यूज करने लगा और इसी तरह से किसी ने तो मुझे एक व्हाट्सएप पे एक जीआईएफ फाइल भेज दिया। तो जीआईएफ फाइल तो रिपीट रिपीट बार बार होने लगा, तो मेरे दिमाग में आया अरे ये इस तरह के हम इधर जीआईएफ मैथमेटिक्स के बना सकेंगे तो बच्चों को सिखाने में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, एक टूल नया निकलेगा। तो मैंने जियोजेब्रा से ढूंढना शुरू किया फिर से कि जियोजेब्रा में फाइल जीआईएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो 2015 में मुझे पता चला कि हम जियोजेब्रा से बनाया हुआ मैथमेटिक्स का जो एप्लेट है वो एप्लेट जीआईएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी बात को मैंने ले लिया
और हर दिन एक GIF जो जियोजेब्रा में मैंने एप्लेट ऑलरेडी बनाए थे 1200 से 1500 रूल्स थ्योरम्स फॉर्मूलाज मैंने विजुअलाइज किए थे ऑलरेडी, मगर वो मैं क्लासरूम में यूज करता था। तो अभी मैंने सोच लिया चलो अभी व्हाट्सएप यूज करेंगे और हर दिन एक GIF मैं बनाता था और व्हाट्सएप के जरिए मेरे स्टूडेंट्स को भेजता था। बच्चों को पहले पहले बार समझ में नहीं आता था सर क्या भेज रहे, उसके बाद वो बार बार देखते थे। मेरा जो GIF था उसका लेंथ ड्यूरेशन था वो 30 सेकंड टू 60 सेकंड, मैक्सिमम 75 सेकंड, इससे बड़ा GIF कभी मैंने बनाया नहीं। तो एक लड़का दिन में से अपने अपने पिताजी का मोबाइल लेके मैंने भेजा हुआ GIF 10 बार 15 बार 20 बार देखता था। तो मैंने उसे टास्क देना शुरू किया कि आप GIF तो तुम देख रहे हो, अब एक काम करने कर लो, जब मैं GIF सुबह सुबह भेजता हूँ आपको तो शाम तक आप वो GIF देख लो और देखने के बाद आपको उसमें क्या पता चला, आपको उसमें क्या आपने ढूंढा, आपको उसमें मैथमेटिक्स के बारे में क्या समझ में आया, वो अपने भाषा में लिख लो, मैथमेटिक्स के लिए वर्ड नहीं चाहिए मुझे, और वो नोटबुक में नोट कर लो डेट और GIF में आपने क्या देखा। जब एंगेज पीरियड रहते थे, ऑफ पीरियड रहते थे, छुट्टी का वक्त था, तब तो हम बच्चों के साथ में इकट्ठा बैठने लगा और डिस्कशन शुरू हुआ कि हमने आज जो GIF देखा था या कल देखा था उस GIF के बारे में किसी किसी ने जो लिखा है वो पढ़ के बताओ। हर लड़का अपने एंगल से वो उस क्या क्या देखा वो बोल रहा था। सब बच्चों का सुनने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आते थे और एक मैथमेटिकली स्टेटमेंट बनाते थे और वो मैथमेटिकली स्टेटमेंट ये उसका रूल था, थ्योरम था और फॉर्मूला था, जो भी कुछ होगा तो वो मैथमेटिकली स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते थे। इसका बहुत बड़ा फायदा मुझे ये हुआ कि बच्चों को मैथ जो कठिन लगता था वो आसान लगने लगा, मैथमेटिक्स उनके दिमाग में बैठने लगा। पहला रट्टा मारते थे, थ्योरम लिखना है तो रट्टा मारो, तो रट्टा मारना छोड़ दिया बच्चों ने और दिमाग में बैठने लगा। इससे बहुत सारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया मैथ से, मैथ्स पर ये मैं मेरे बच्चों के लिए करता था, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात व्हाट्सएप के जरिए मैं मेरे टीचर से शेयर करने लगा। आज मैं हर दिन 150 से 170 टीचर्स ग्रुप्स है ऑल ओवर महाराष्ट्र, उनको मैं हर सुबह गुड मॉर्निंग में एक GIF देता हूँ और उस GIF सभी GIF टीचर्स अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो आज ये खुशी होती है कि मैंने शुरू किया हुआ छोटा सा काम आज महाराष्ट्र का हर मैथमेटिक्स टीचर यूज कर रहा है। तो ये एक GIF की उपलब्धि है और मैथमेटिक्स आसान करने के लिए मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो ये GIF जब टीचर्स को मिलते थे तो थोड़े दिन से कोई तो टीचर का फोन आता था, सर आपने 8-10 दिन पहले जो GIF भेजा था वो मेरे मोबाइल से निकल गया, डिलीट हुआ, तो मुझे फिर से चाहिए। तो मैंने सोचना शुरू किया अरे ये तो और कुछ तो काम करना पड़ेगा, जो हम GIF बना के भेज रहे हैं तो एक इकट्ठा प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर वो उपलब्ध हो गए तो स्टूडेंट को भी लेना आसान जाएगा और टीचर्स को भी जब चाहिए वो तब ले सकेगा। तो मैंने मेरा पहला वेबसाइट बनाया और उसका मैंने ब्रांडिंग किया सोपे गणित। सोपे गणित मराठी में उसका नाम है सोपे गणित इन सिंपल मैथ्स, इसका मतलब है सोपे गणित का सिंपल मैथ्स। तो मैंने सिंपल मैथ्स पढ़ाने शुरू किया और सोपेगणित.in नाम की एक मैंने साइट बनाई। उसी साइट पे मैं GIF व्हाट्सएप पे जाते थे, उसी वक्त वो GIF मेरे प्लेटफॉर्म पर भी जाने लगा। तो जो कोई टीचर्स को जरूरी था तब जब टीचर्स को निकालने लगा, एक बात हुई। उसके बाद एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल, यूट्यूब का इस्तेमाल तो बार बार कर रहे थे बच्चे, ये पैंडेमिक सिचुएशन में तो यूट्यूब पर ही सब पढ़ाई चल रही थी। तो सोचा यूट्यूब चैनल बनाएंगे, वहां पे वीडियोस बनाएंगे, GIF कन्वर्ट इनटू वीडियो किया और सोपे गणित नाम का एक मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल पर मेरा 4 महीने में सब्सक्राइबर बहुत हो गए, मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, हर GIF को मुझे 1000-2000 व्यूअर्स मिलने लगे और जिस बच्चों के साथ, जिस लोगों के साथ मैं नहीं जुड़ा था उस लोगों के साथ मैं यूट्यूब के जरिए जुड़ा। उसके बाद और थोड़ा आसान करने के लिए मैंने एंड्रॉयड ऐप बनाया, उसका ही नाम है सोपे गणित। आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो सोपे गणित नाम से ऐप ढूंढोगे तो उसमें वो मिल जाएगा। तो वही GIF और उसी के अलावा GIF किस तरह से बनाएंगे, जियोजेब्रा
जो सॉफ्टवेयर मेरा बेस था वो सॉफ्टवेयर किस तरह से टीचर्स यूज करेंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे सॉफ्टवेयर के भी वीडियोज डालना शुरू किया। इस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए। हाँ हाँ कहते पूरे महाराष्ट्र में आज हर स्टूडेंट जीआईएफ देख रहा है, सीख रहा है, मैथ्स एंजॉय कर रहा है। ये जीआईएफ से और एक आउटकम्स मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिवली मिला कि लॉजिकली थिंकिंग जो मैथमेटिक्स में जरूरी है वो बच्चों का बहुत इम्प्रूव हुआ। लॉजिकली थिंकिंग प्रोसेस जो है वो मैथमेटिक्स के जीआईएफ देख देख के वो थिंकिंग करने लगे, क्या हो रहा है, चेंजेस क्या हो रहे हैं, एंगल किधर से किधर जा रहा है, दोनों एंगल की सम क्यों आ रही है, क्या हो रहा है, ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो गई। तो काफी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है सर, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए ये काफी मददगार है। इसके अलावा सर हम बातचीत करें तो इसी तरीके से आपने एक डिफरेंट और एंगल में सोच पाए हैं आप। आपने टेड टॉक के वीडियो को लेके भी कुछ कामकाज किया है, तो हम थोड़ा सा जानने चाहेंगे कि उसकी क्या पृष्ठभूमि है। टेड टॉक्स का इस्तेमाल मैंने मेरे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए किया। क्या हुआ, एक लड़का मेरे स्कूल से पास आउट हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स निकाले उसने, और एक मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वो मेरा स्कूल कोकण रीजन से आता है। कोकण रीजन का हर घर ये मुंबई से कनेक्ट है, तो पास आउट होने के बाद वो मुंबई निकल गया अगले एजुकेशन के लिए और नौकरी के लिए। तो वहां पे वो जाने के बाद उसे इंटरव्यू जब फेस करने की टाइम आ गया, तब वो उसे उसकी पढ़ाई उसे यूज नहीं कर पढ़ रहा था, वो कर रहा था, हाँ कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इंटरव्यू किस तरह से दे दूंगा। तो वो छुट्टी में आया तो मेरे साथ बात कर रहा था, तो मुझे बोल रहा था सर ऐसा हुआ, मेरे बहुत सारे मैंने मार्क्स तो बहुत निकाले मगर मैं जब इंटरव्यू में गया तो मुझे पता चला मुझे में कौन सा पॉइंट वीक है। तो यही बात मैंने मेरे बच्चों के साथ शेयर की और उससे मेरा टेड टॉक का इस्तेमाल करके मैं करियर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का एक सोच लिया। उसका एक आउटलाइन बताता हूँ एक दो मिनट में। जी जी, जैसा जी। लीग मैच चलता है फुटबॉल लीग मैच, उसी तरीके का लीग मैच मैंने स्कूल में शुरू किए। मगर ये लीग मैच किसके थे, तो मैंने हर क्लास से 5 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको ले लिया। 5th स्टैंडर्ड से 5 बच्चे, 6th स्टैंडर्ड से 5 बच्चे, 7th से 5, 8th से 9th से और 10th से। मेरे पास 6 कक्षा है, 6 कक्षा से मेरे पास 30 स्टूडेंट्स मिल गए। तो मैंने उनके 6 स्टूडेंट्स के 5 ग्रुप किए। हर ग्रुप में हर कक्षा का एक लड़का आता था, 5th का 1, 6th का 1, इस तरह के मैंने शफल करके 5 ग्रुप बनाए। और बच्चों को मेरे पास सोल नाम का जो प्रोजेक्ट शुरू था उसमें एक लैब अच्छी तरीके की बनी थी, तो मैंने बच्चों को बोला हमारे पास लैब है, कंप्यूटर कनेक्ट है, उसे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आप लैब में जाओ, कंप्यूटर पर ग्रुप से बैठो, टेक टॉक्स देखो, टेक टॉक का लिंक ओपन करके उस साइट से विजिट कर लो, वहाँ पे बहुत सारी टॉक्स है उसमें का आप देखो, डिस्कस करो और आपको जो पसंद आएगा वो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके वही कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, वहां पे वो डाउनलोड एक पार्ट वन। एक काम बच्चे गुरुवार शुक्रवार 2 दिन करते थे, ग्रुप में डिस्कशन होता था और टेड टॉक देखा जाता था। सैटरडे हमारा स्कूल मॉर्निंग रहता है, मॉर्निंग स्कूल के बाद दोपहर के वक्त, स्कूल छूटने के बाद दोपहर के वक्त दोपहर 3 बजे ये 5 ग्रुप के 30 जो बच्चे थे स्टूडेंट्स थे वो मैं और हमारी कंप्यूटर लैब, इसमें हम इकट्ठा होते थे हर हफ्ते। पर हर ग्रुप ने जो इस हफ्ते में वीडियो डाउनलोड किया है वो वीडियो उन्होंने प्रोजेक्टर लगा के दिखाना है बाकी के 4 ग्रुप्स को और उसके बारे में बताना है एक ये वीडियो में क्या है, इसमें खासियत क्या है, या आपको हमने क्यों डाउनलोड किया, इसमें हमको दिलचस्पी क्यों बनी, ये बताने के बाद बचे हुए 4 ग्रुप उनको क्रॉस क्वेश्चन करते थे, उनसे सवाल पूछते थे और वो समझा के देते थे कि ये वीडियो अच्छा क्यों है। तो इस तरह से हर ग्रुप हर हफ्ते
पांच वीडियो पे डिस्कशन करता था, 2 घंटे का काम चलता था और उसमें से रेटिंग होता था। जिस ग्रुप ने प्रेजेंटेशन किया उस ग्रुप को बचे हुए 4 ग्रुप मार्किंग देते थे, 10 out of 10 कितना मार्क, ऐसा हम लीग मैच चलाते थे और वो 40 हफ्ते चलता था। और उसके बाद एक फाइनल विनर टीम और एक रनर अप टीम हम निकालते थे। उसका उद्देश्य यह था कि आप अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हो, समझाने की आप में पावर आई तो आपका पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक डेवलप होता है। तो इसी तरह से मैंने किया और बच्चे आज अच्छी तरह से फेस कर रहे हैं इंटरव्यू। तो सर कैसा बदलाव आपको नजर आ रहा है इस इनिशिएटिव में, खास करके बच्चों में? एक बदलाव पहले बच्चों से पहले मैंने मुझमें किया, मैं टीचर हूं मगर मैं विद्यार्थी बना। अगर हर टीचर विद्यार्थी बनेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। बच्चों में इतना बदलाव आ गया कि बच्चों को खुद इस टेक्नोलॉजी से फैमिलियर होते गए और उनके सामने एक दुनिया का बहुत सारी शाखाएं देखने मिलने लगी। टेक्नोलॉजी के जरिए विद्यार्थी वर्चुअली दुनिया की सैर करने लगा, उसे दुनिया के किस कोने में किस बात का स्टडी चल रहा है, किस बात का बातें चल रही है, ये समझ में आने लगी। हमारे गांव का बच्चा 8वीं कक्षा में था, तभी उसने सोचा था कि मुझे बायोटेक में करियर करना है। जो बायोटेक वर्ड हमारे स्कूल में के में बहुत सारे बच्चों को मालूम भी नहीं था, पेरेंट्स को भी नहीं था, और बोलने में बड़ी खुशी होती है। वो लड़के का नाम है अरुण सवान, उसी लड़के ने अपना करियर माइक्रोबायोलॉजी से बायोटेक करके आज वो येल यूनिवर्सिटी में एज ए साइंटिस्ट है। तो ये टेक्नोलॉजी की खासियत है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कैनवस मिल गया, मैथमेटिक्स का डर कम हो गया, टेक्नोलॉजी से वो इतने फेमिलियर हो गए कि हमने 5वीं 6वीं कक्षा से बच्चों को डिजिटली असाइनमेंट देना शुरू किया। उसका उद्देश्य ये था कि होम असाइनमेंट्स जो हम दे रहे थे वो जी बाय मेल भेज रहे थे। बाय मेल भेजने का मेरा एक मतलब था कि बच्चों को बहुत छोटी उम्र में इस टेक्नोलॉजी का पता चले, मेल कैसे भेजें, कौन चीज किस तरह से सर्च करें, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करें, इससे वो फैमिलियर होगा। तो अगर स्कूल से पास आउट होके हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएगा तो वो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अपने प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व करेगा। और इसी तरह से बच्चे करते आए। एक लड़की मेरे स्कूल की गौरी चिंदरकर दुनिया में से 100 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए बीबीसी ने, टॉपेस्ट वुमेन्स, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया कि वो खुद की पढ़ाई खुद टेक्नोलॉजी के जरिए कर रही है। तो इस तरह के आउटपुट सामने मिलने लगे, बच्चों की तरफ देखने का पेरेंट्स का जरिया बदला, टीचर्स का बदला, टीचर्स भी अपडेट होने लगे। क्योंकि अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ाने जाऊंगा और मैं अब ग्राफ पेपर लेके बताऊंगा तो लड़का बताएगा सर गूगल मैप पे अलग अलग है, तो टीचर्स को भी अपडेट करने की जरूरत आई। इस तरह के बहुत सारे बदलाव आए और सब बदलाव है पॉजिटिवली, टीचर्स ने लिए, पेरेंट्स ने लिए, स्टूडेंट्स ने लिए, सबका ही एक ट्यूनिंग हो गया और ट्यूनिंग से बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें बनते गई। लेकिन सर अब आपका तो इस टेक्नोलॉजी को लेके इंटरेस्ट है, इसलिए आप तो परत दर परत खोले जा रहे हैं और नई नई चीजें सोच पा रहे हैं, लेकिन क्या अपने जो इतना बड़ा सिस्टम है उसमें क्या रोकता है एक शिक्षक को ये नए इनिशिएटिव अपनी कक्षा कक्ष में लागू करने के लिए, ये एक बड़ा सवाल आ जाता है। इस सवाल का जवाब सवाल में ही है कि टीचर्स के सामने हाथ में जब टेक्स्ट बुक्स दिया जाता है डेली, तो टीचर्स के सामने पहला उद्दिष्ट रहता है कि साल भर में मुझे टेक्स्ट बुक्स खत्म करना है, तो टीचर्स टेक्स्ट बुक्स में अटकता है। अगर टीचर्स के हाथ में रेफरेंस बुक देते आप और सिलेबस देते तो वो टीचर उस रेफरेंस बुक के जरिए खुद भी पढ़ता और बच्चों को भी अलग अलग चीजें पढ़ाता। आज रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है टीचर्स को, तो वही पढ़ाना है, तो अपना खुद का एफर्ट्स नहीं लगा रहा,
बहुत सारे टीचर्स बहुत बढ़िया तरीके से एफर्ट्स लगा रहे हैं, मगर वो टीचर्स की संख्या बढ़नी जरूरी है। तो इसलिए एक आदमी अगर एक अच्छी काम करने लगा, मैं एक फॉर एग्जांपल एक एक्स टीचर है, उसने इस टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों के साथ अलग अलग तरीके से पढ़ाना शुरू किया, तो वाईजेड नाम के जो दो टीचर्स है ना, वो उससे पीछे लेते हैं। तुम एक कर रहे हो, थोड़े दिन से मुझे करना पड़ेगा। उनकी मेंटेलिटी चेंज होना जरूरी है टीचर्स को, कि हम बच्चों के साथ, हम टीचर्स एक सोशल इंजीनियर है, एक सोसाइटी बनाने का काम टीचर्स का है। तो उसे दिया हुआ करिकुलम खत्म करने के लिए टीचर्स का रोल नहीं है। तो टोटली सभी बाजू से बच्चे की ग्रोथ जो एजुकेशनली होगी, सोशली होगी, तो सभी तरह की ग्रोथ उसकी होने की जरूरत है। इसलिए टीचर्स का रोल बहुत बढ़िया जरूरी है, और टीचर्स से सेंसिटिव होना चाहिए। टीचर्स ये भावनावेश होना जरूरी है, क्योंकि टीचर सेंसिटिव होगा तो बच्चों से लगाव बढ़ता है। नहीं तो टीचर्स और बच्चों में एक दीवार खड़ी होती है। टीचर्स ब्लैक बोर्ड पास बैठ के पढ़ाएगा और बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ेंगे, मगर उसमें जो ट्यूनिंग है, उन्हें ट्यूनिंग नहीं होगा तो पढ़ाई व्यर्थ होगी। तो टीचर्स ने ये करना चाहिए कि बच्चों के साथ लगाव करना जरूरी है, और बहुत सारे टीचर्स लगाव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर टीचर्स बच्चों को लकड़ी लेके ही मार रहा है, बच्चों के साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे काम बन रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं। तो ये होना जरूरी है। टेक्स्ट बुक्स में मत अड़को, टेक्स्ट बुक के साथ उसका पर्सनैलिटी बिहेवियर भी उसका देखना जरूरी है। ये चीज टीचर्स ने की, और टीचर से वो स्टूडेंट बना तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में एक टीचर में खास तौर पे किन कौशल की या किन स्किल की बहुत खास जरूरत होगी? टीचर्स को पहली बात जरूरी चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी समझ में आना जरूरी है। अगर चाइल्ड साइकोलॉजी का स्टडी टीचर्स का नहीं होगा तो उसका पढ़ाई व्यर्थ हो सकते है, एक बात। दूसरी बात, आपने बताया टेक्नोलॉजी के दिन है, हर चीज टेक्नोलॉजी पे हो रही है। अब तो अभी हम एंड्रॉयड पे आ गए, मोबाइल पे आए, स्मार्टफोन हाथ में आए, मगर इसके आगे आके अब AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रहा है। तो एक AI बनाने वाला भी एक आदमी है जी, तो उसका लॉजिक डेवलप होने के लिए भी टीचर्स लगेगा। तो ये जो गलत फहमी है कि टीचर्स का रोल खत्म होगा, तो खत्म नहीं होगा। इसलिए तो मैंने बताया कि टीचर्स और स्टूडेंट्स में एक रिलेशन बनना चाहिए। टेक्नोलॉजी से रिलेशन नहीं बनता, टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन मिलती है। और एक बात है, टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन मिलती है, टीचर्स से नॉलेज मिलता है। इंफॉर्मेशन कन्वर्ट नॉलेज में करने का जो स्किल है वो टीचर्स को आना जरूरी है। अगर टीचर्स ने इंफॉर्मेशन ले ली, इतनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी गूगल पे है, नेट पे है, तो उसमें से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेके उसका इस्तेमाल डे टू डे टीचिंग में अगर टीचर करेगा तो सिखाना पढ़ाना आसान होगा, यानी बच्चों को सीखना भी आसान होगा। इसलिए हर टीचर विद्यार्थी बने, मैं फिर से बताता हूँ, हर टीचर अगर विद्यार्थी होगा तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। काफी सोचने वाली बात है कि एक शिक्षक एक विद्यार्थी कैसे बन सकता है इस समय, है ना? तो फिर वो अपने आप चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की जो बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक फर्स्ट स्टेप हो सकती है उसकी। ये बिल्कुल सर। तो सर एक और प्रोजेक्ट के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। तो एक जो और इम्पोर्टेंट काम आप कर रहे हैं कि एक ही वॉल के ऊपर आप पूरा जो वर्ल्ड है उसको लेके आ रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। हमारे स्कूल में 2009 में होल इन द वॉल NIT ने बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ स्कूल में बच्चों के लिए। उसका उद्देश्य ये था कि बच्चों का पढ़ने का जो तरीका है वो किस तरह से बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। इसे NIT ने जो कियोस्क बैठाया था हमारे स्कूल में, उस कियोस्क का ओपनिंग हमारे राष्ट्रपति, माजी राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने किया था जी। इस कियोस्क का होल इन द वॉल का मतलब है, NIT का दिल्ली में जो कैंपस है था, तो NIT ऑफिस के बाहर थोड़ी झुग्गी झोपड़ी थी,
और एनआईटी ऑफिस के कैंपस के अंदर बहुत बड़े 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 शीशे में एसी रूम में बैठ के लोग कंप्यूटर पे काम करते थे। तो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे झांक झांक के उस ऑफिस में देखते थे लोग क्या करते हैं अंदर। तो डॉक्टर सुगातो मित्रा का ये प्रोजेक्ट था। तो डॉक्टर सुगातो मित्रा उन्होंने सोच लिया, अगर मैं एक कंप्यूटर मेरे कंपाउंड वॉल में बटा दूं होल मार के, होल करके, और वहां से इंटरनेट करके बच्चे क्या करते हैं ये ऑब्जर्व कर लूं। तो उन्होंने पहला झुग्गी झोपड़ी में एनआईटी के कैंपस में होल लगाया और उस होल कंप्यूटर बैठाया, होल इन द वॉल। और दूसरा मतलब ये प्रोजेक्ट का ऐसा था, होल इन द वॉल, तो उसे नेट कनेक्टिविटी देने के बाद उस वॉल में पूरा दुनिया आ गया। तो वहां पे जो बच्चे करते थे उसी तरह का प्रोजेक्ट कियोस्क सेंटर हमारे स्कूल में शुरू हुआ और वहां से बच्चे सीखने लगे। और जिस बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस था उसका ऑब्जर्वेशन एक आरएमएस था, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल था। वो हर जी 3 मिनट से एक स्नैपशॉट लेता था और उस स्नैपशॉट का डाटा विद इंटरनेट एनआईटी को भेजता था, एनआईटी रिसर्च करते थे। तो बच्चों को जी बहुत कम उम्र में दुनिया का नॉलेज उस होल इन द वॉल से मिलने लगा। तो उससे जी बहुत बड़ा ये हो गया कि बच्चों को समझ में आने लगा कि मुझे क्या करना है। मैं तो हर बच्चा एक ही सोचता था, मुझे 10वीं पढ़ाना है, 12वीं पढ़ना है, उसके बाद आर्ट्स कॉमर्स या साइंस में कोई तो ग्रेजुएशन करना है, इतना ही एक उनकी सोच थी। वो सोच बदल गई, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग के बारे में बच्चे पता करने लगे, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पता करने लगे, TIFR नाम की जो मुंबई में संस्था है क्या है इसके बारे में सोचने लगे। तो अलग अलग बातों का इंटरेस्ट बढ़ते गया और बच्चों सीखते गए। टेक्नोलॉजी किस तरह से सीखते हैं इसका रिसर्च हमारे उसमें हुआ और उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। होल इन द वॉल में क्योस में बैठ के काम करते थे बच्चे, मगर सोल में न्यू कैसल यूनिवर्सिटी ने हमें फंडिंग किया था अच्छा। और वहां पे एक वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब बनी। नेट कनेक्टिविटी आ गई, एक स्कैनर था, कंप्यूटर था, प्रिंटर था, प्रोजेक्टर था। बच्चों को जो पढ़ाई में जो दिक्कत आएगी, जो प्रॉब्लम आएगा, वो वही प्रॉब्लम बच्चा वो क्योस सोल लैब में जाएगा, वो कंप्यूटर पे बैठेगा, गूगल करेगा, अदर रेफरेंसेस ढूंढेगा और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा इसी टाइम। और एक रिसोर्सेस उन्होंने दिए थे सोल में कि मेडिएटर्स दिए थे, ग्रैनीज दिए थे, ग्रैनी क्लाउड, क्लाउड में ग्रैनी रखे थे और जो बच्चों को कोई दिक्कत होगी तो वो ग्रैनी से बात करता था, ग्रैनी से सीखता था। ग्रैनी उनको पपेट शो सिखाते थे, पोएम सिखाते थे, मैजिक शो दिखाते थे, स्टोरीज बताते थे। दोनों देशों के बात होती थी, तेरे देश में क्या हाँ चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, उधर का एजुकेशन की कैसा है, इस तरह के बातों की देवाणी घेवाण होती थी। इस तरह से काम चल रहा था और बहुत अच्छी तरह से सोल हुआ। तो ये होल और सोल, ये दो प्रोजेक्ट हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और उसका उन्होंने इनकैश किया उनको। ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन दो या तीन लोग हैं जिनको आप अभी इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद देना चाहेंगे। पहला धन्यवाद मैं मेरे पिताजी को देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी एक टीचर थे और उन्होंने मुझे पढ़ाया था और पिताजी के वजह से इतनी सारी चीजें मैंने की। उनका एक इंस्पायरेशन था, उनका एक आशीर्वाद था। दूसरा इसका क्रेडिट देना होगा तो मेरे धर्मपत्नी को दे दूंगा मैं, क्यों, उसने पूरा घर संभाला इसलिए मैं ये संभाल सका। और जी तीसरे थे हमारे संस्था के एक्स प्रेसिडेंट आरवी साटम और अभी के प्रेसिडेंट अरुण भाई करले, जो दिनों ने जी मेरे स्कूल में जो चीज करना चाहता था उस चीज के लिए मुझे फ्रीडम दिया। उन्होंने मेरे पर भरोसा किया कि एक जो कर रहा है वो कुछ तो अच्छा कर रहा है। और इस तीन या चार लोगों के अलावा मेरे कलीग्स है, मेरे टीचर्स है, मेरे और सब में महत्व विद्यार्थी है, जो इस विद्यार्थी ने मुझे रिस्पांस दिया उसी वजह से मैं करने लगा। विद्यार्थियों से मुझे ऊर्जा मिलती रही, इसलिए मैं सबको धन्यवाद जी देता हूँ। अभी सर इसी तरीके की और भी इंस्पायरिंग कहानियां हमारे इस चैनल से हम अलग-अलग लोगों से जुड़ते आ रहे हैं। आपसे भी चाहेंगे कि अगले एपिसोड के लिए कौन लोग हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। तो सर मेरे सामने दो व्यक्ति आते हैं,
जी एक व्यक्ति रहती है, उनका नाम है भगवंत बी जी पाटिल, कोल्हापुर। उन्होंने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ की है, टीचर्स के साथ की है। तो उनका नाम मैं पहला लेना चाहता हूँ। और दूसरा नाम, मैं टीचर नहीं है, एक डॉक्टर है, मगर बच्चों के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए कर रहे हैं, पेंटिंग में कर रहे हैं, ड्रामा में कर रहे हैं, एक्टिंग में कर रहे हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र चव्हाण, जो जी हमारे गांव से ही डॉक्टर है, मगर उनका बहुत सारे क्षेत्र में वो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, विदाउट टेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं। तो इस दोनों लोगों की आप कहानी सुनोगे और लोगों को ही सुनाने में बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल सर, हम जल्दी ही उन लोगों से भी जुड़ेंगे, और अगर वो लोग हमें देख रहे हैं तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने शमसुद्दीन सर से सुना कि किस तरीके से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि शमसुद्दीन सर की कहानी आपके लिए भी इंस्पायरिंग रही होगी। इसी तरह की और भी इंस्पायरिंग कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना ना भूलें। अभी चर्चा को विराम देते हैं इसी सवाल के साथ, क्या आप भी शिक्षण प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो अभी टेक्नोशाला फाउंडेशन से संपर्क करें और बने डिजिटल टीचर की कहानी का हिस्सा। नमस्ते, मिलते हैं अगले शनिवार दोपहर 2 बजे।